रहा हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सब क्या है? आपने धोखे से मेरे पिता की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली? तो तुम प्यार से वापस ले लो, बस एक बार आप प्यार का खेल खेल लो मेरे साथ, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी वापस कर दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास समझो या अच्छी बात, बात तो तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी। प्रॉपर्टी से तो हाथ धो ही चुकी हो, अब जान से भी हाथ धो बैठोगी। मेरे पापा ने तुम्हारी जिंदगी बना दी और तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? चलो तुम्हें थोड़ा कंसेशन देता हूँ, बस एक बार अपने हुस्न का दीदार करा दो, प्रॉपर्टी और जान दोनों बख्श दूंगा। और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास? सारे रास्ते मेरी ताकत के सामने बंद हो गए। Yeah.
था मालूम ही काय डेजी मैडम कसा काय बरा है ना जादव तुम फिर आ गए नाम नहीं लेना लोग मुझे भाव बोलते हैं भाव भाव तुम्हें वो लोग बोलते हैं जो तुमसे डरते हैं और मैं तुमसे डरती नहीं समझे तुम चल जाने दे नाम को काम की बात करते हैं क्या सोचा तूने कितना पैसा चाहिए तुझे मैं तुमसे कितनी बारी कह चुकी हूँ कि ये डेजी विला ये मेरी जान है इससे मैं किसी भी कीमत पे नहीं बेचूंगी ये तो वक्त बताएगा कि ये आपकी जान है या हमारा ख्वाब किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं जो हम देखें और पूरा ना आमीन अगर तुम ऐसे ही ख्वाब देखते हो ना तो बेटर है सोना ही छोड़ दो हाँ चलता हूँ मैडम मैं फिर आऊंगा ये ख्वाब तो मेरा पूरा होकर रहेगा क्योंकि ये मैंने सोते हुए नहीं जागते हुए देखा सॉरी पूजा मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई जाओ अपने रूम में जाके आराम करो देखो तो कौन आया और हाँ अगर वो भाव हो ना तो दरवाजा मत खोलना हाँ जाओ हेलो जी चड्डा साहब अरे आप आए नहीं आप बिना काम कम और मजाक ज्यादा करते हैं जी अरे वो लेके आने थे ना आपको एग्रीमेंट के पेपर्स जी ठीक है मैं इंतजार करूंगी बहुत जरूरी काम है हाँ लेके आइएगा थैंक यू आंटी ये नेहा हेलो आंटी लक्की अंकल ने भेजा है हेलो हेलो मुझे लक्की ने बताया था पूजा एक काम करो जी नेहा को अपने साथ वाले कमरे में ठहरा जी नेहा तुम फ्रेश हो जाओ फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे हाँ ठीक है आंटी आओ नेहा चलो सॉरी सर ए क्या सॉरी शराब पी रखी है क्या देखता नहीं है क्या ए क्या किसने करना शराब तो आपने पी रखी है आपके मुझसे पास आ रही है बड़ी बदतमीज लड़कियों एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी ए मिस्टर चोरू और मत बोलना वरना थाने यहाँ से दूर नहीं है थाने जाके सबको बता दूंगी कि तुमने बीच बाजार मेरे साथ क्या किया चल निकल ले हाँ आई बड़ी मुझे थाने लेके जाए बढ़िया माल हाथ आया वाह सही है वीडू सही है क्या बाइक है वाह काश ये मेरी हो जाए एकदम सही कच
अच्छा बिटिया, किरण बिटिया रानी। पंडित जी पाए लागो, पंडित जी नीचे होते हैं। हाँ, आपके पैर इधर है, मैं भूल गई थी। खुश रहो, कुछ काम धंधा किया करो, फालतू घूमती रहती है यहाँ वहाँ। आजकल तेरी बहुत शिकायतें आ रही हैं। और सुन, आज शाम को मंदिर में मुझसे जरूर मिलना, ठीक है? आना भूलना नहीं। पंडित जी, मंदिर आके क्या करूंगी, भगवान ने आपका सारा माल तो मुझे यही दे दिया। ये क्या, मैंने तो सोचा था नोटों की गड्डी होगी, ये तो फूल है। शी, आज के बाद किसी भी पंडित के जेब से कुछ भी नहीं निकालूंगी, उसमें फूल और नारियल के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। लीजिए आंटी। थैंक यू। यू नो माय चाइल्ड, आई ऑलवेज प्रे टू माय जीसस कि तुम्हारी जिंदगी एकदम खुशियों से भर जाए। चीयर्स। गुड इवनिंग आंटी। अरे गुड इवनिंग नेहा। आओ नेहा, बैठो। हाय। दरअसल वो डेजी आंटी शाम को ड्रिंक लेती है ना, तो बस मैं उन्हें कंपनी दे रही थी। तो फिर आज हम दोनों ही इन्हें कंपनी देते, क्यों आंटी? श्योर। पूजा बनाओ। पूजा आपकी बेटी है आंटी? नो, पूजा मेरी बेटी नहीं है, लेकिन बेटी से भी बढ़कर है। थैंक यू। Cheers! नेहा, तुम लक्की जी को कैसे जानती हो? आंटी, हम लोग देहरादून में पड़ोसी थे। लक्की अंकल पापा के अच्छे फ्रेंड थे। पड़ोसी थे मतलब? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, सो सैड। क्या हुआ था उन्हें? देहरादून से मसूरी आते वक्त उनकी कार दुर्घटना में मौत हो गई। ओह माय जीसस। आंटी, उनकी मौत होते ही मुझ पे तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे संभालने की जगह कदम कदम पे मुझे लूटना चाहा। पापा के करोड़ों की दौलत पे सबकी नजर थी। मैं किसी तरह उनसे अपने आप को बचा पाई। मैं शहर छोड़ने वाली थी कि अचानक लक्की अंकल मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे आपके पास आकर रहने की सलाह दी और मैं यहाँ चली आई। Come on, my child. Don't cry. You know, God is great. और you know, जब God एक दरवाजा बंद करता है तो हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे और खोल देता है। आंटी, आपने मुझे बेटी कहा ही है तो हक से मैं कुछ कह सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, बोलो ना। आंटी, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, प्लीज खाने को कुछ मिलेगा? Why not? मैं अभी कुछ लेके आती हूँ, तब तक तुम लोग बातें करो। हे बबली, आज पप का दिन कैसा रहा? बस यार, as usual, कुछ लोगों ने पूजा के साथ पब में बदतमीजी की थी तो वक्त से पहले मामला संभल गया। तू बता, फसाज कोई मुर्गा? जब ये लाल परी है तो जाहिर है मुर्गा फसा ही होगा। और मुर्गा काटने की भी जरूरत नहीं पड़ी, फिर अपने आप मुर्गा फस गया। और ये देख, पाँच छह दिन का जुगाड़ हो गया। चल यार, केक बना फटाफट, थोड़ी हम भी थकावट दूर करें। ठीक है पूजा, मिस्टर लकी डेजी आंटी के रिश्तेदार हैं? डेजी आंटी के तो वो फैमिली फ्रेंड है, बट मेरे लिए तो वो गॉडफादर हैं। गॉडफादर? हाँ नेहा, मेरी जिंदगी की कहानी भी बहुत लंबी है। तुम्हारी तरह मुझे भी डेजी आंटी के यहाँ भेजने वाले लकी अंकल ही हैं। अच्छा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कहते हैं मन का दुख बताने से मन हल्का होता है। नेहा, बचपन से मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मेरी माँ सौतेली माँ थी और पापा हमेशा उन्हीं की बात मानते थे, इसलिए मेरा बचपन बहुत ही घुटन भरा था। फिर राज मेरी जिंदगी में आया, मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी में प्यार की कमी पूरी हो गई। Oh,
क्या कर रहे हो? क्या बात है राज, आज बड़े रोमांटिक नजर आ रहे हो। अरे जब इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो तो आदमी रोमांटिक भी ना हो। ये मत भूलो अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है। जाने मन शादी भी हो जाए, क्यों ना आज की इस रात को एक यादगार रात बना लिया जाए। ओ राज, I love you राज। अभी हम पूरी तरह से सेटल भी नहीं हो पाए थे कि आई गॉट प्रेग्नेंट। व्हाट, आर यू प्रेग्नेंट? पूजा तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है कि तुम क्या बात कर रही हो? हम लोग खुद अभी किराए के घर में रह रहे हैं। तुम्हारा परमानेंट जॉब नहीं है, मेरा परमानेंट जॉब नहीं है, हम लोग खुद सेटल नहीं है अभी, तो हम बच्चे के बारे में कैसे सोच सकते हैं? डोंट वरी राज, आने वाला अपना नसीब खुद लेकर आता है। लेकिन पूजा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बी मैरी एंड लेट्स एंजॉय। पूजा तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम लोग खुद अभी सेटल नहीं है, हमारे खुद के खाने के लाले पड़े हैं, हमारा रहने का ठिकाना नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चा जब आएगा वो बहुत खुश रहेगा? नहीं पूजा, हम लोग खुद अभी उस हालत में नहीं है कि उस बच्चे को खुश रख सके। लेकिन राज, बस तुम घर जाओ, मैं शाम को वहीं आके तुमसे बात करता हूँ। राज मेरी बात तो सुनो। राज राज एक मिनट। मैंने किसी तरह समझा बुझा कर राज को मना तो लिया, लेकिन जब मैं सुबह नींद से उठी राज, इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। राज, राज। बहुत कोशिश की मैंने उसे ढूंढने की। ओह माय गॉड, राज का फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ चले गए तुम राज? राज कहाँ हो तुम? राज
कहीं नहीं मिला। फिर मैं जिंदगी से निराश हो गई और खुद को खत्म करने की सोच ली। अचानक लक्की अंकल मुझे मिल गए। फिर लक्की अंकल ने मुझे संभाल लिया। मैं गाना अच्छा गाती थी, इसलिए उन्होंने अपने पब में मुझे गाने का काम दे दिया। तब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए लक्की अंकल ने मुझे डेजी आंटी के यहाँ रहने भेज दिया। और अब तुम आ गई हो तो और भी अच्छा लग रहा है। चीज़। बेचारी पूजा पे भी बहुत तरस आता है। क्यों? लेकिन हर कदम पे बेचारी ने धोखा ही खाया है। पहले उसके माँ बाप ने उसका साथ छोड़ दिया और फिर जिससे वो प्यार करती थी वो भी उसका साथ छोड़ के चला गया। अपना अपना नसीब होता है। हम भी तो लड़कियां हैं, हमें लड़कों की कहाँ जरूरत है। सब लड़कियां हमारी जैसी नहीं होती। ये तो उसका नसीब अच्छा था कि हमारे पब में उसको नौकरी मिल गई, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाती फिरती बेचारी। अच्छा, पूजा पे बड़ा प्यार आ रहा है तुझे। ऐसा तो नहीं कि मुझे छोड़कर उसके साथ जा रही है। मजाक मत कर यार, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उसे उसका खोया हुआ प्यार मिल जाए। So this is for my beautiful and lovely child. Have it. खाओ। हेलो। हाँ नेहा, तुम ठीक ठाक पहुंच गई? हाँ, मैं ठीक तरह से पहुंच गई। बल्कि यहाँ कर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर डेजी आंटी के साथ एक लड़की रहती है, पूजा। बहुत अच्छी लड़की है। ओह, दैट्स नाइस। अच्छा ये बताओ कि मैं वहाँ आ सकता हूँ क्या? हाँ, मैं डेजी आंटी से पूछकर तुम्हें एड्रेस मैसेज करती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगा। लेकिन आई विल कम फ्रॉम द ऑफिस, इज इट ओके फॉर यू? ओके ओके, एंजॉय योरसेल्फ, लव यू, बाय। ओके बाय। नेहा, किसका फोन था? आंटी, रोहन मेरा कॉलेज का दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है। क्या मैं उसे यहाँ बुला सकती हूँ? अरे, एक तो तुम्हारा दोस्त है और ऊपर से तुम कह रहे हो अच्छा लड़का है, तो फिर मैं क्यों ना करूँगी, बुला लो ना। थैंक यू आंटी। अरे अभी तो तुम कह रही थी बहुत जोर की भूख लगी है, चलो जल्दी से, ठंडा हो जाएगा, खाओ ना। ओ क्या हुआ आंटी, इतना टेस्टी खाना पहली बार खा रही हूँ। खाओ खाओ। ऐसा लग रहा है कि सचमुच माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा रही हूँ। सो स्वीट। पता है आंटी, अगर आपकी कोई औलाद होती ना तो आप जैसी माँ पाकर धन्य हो जाती। अरे मुझे जब तुम जैसी बेटियाँ मिल गई तो मुझे क्या जरूरत है औलाद की, उससे बढ़कर हो तुम दोनों मेरे लिए। आंटी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अरे पूछो ना। आंटी, अब तक आपने शादी मैरिज क्यों नहीं की? फिर वही सवाल, सब यही सवाल करते हैं। चलो आज मैं बता ही देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मैं और लक्की, हम लोग दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे और हम दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया था। पर हमारे पेरेंट्स हम लोगों की मैरिज के अगेंस्ट थे, यू नो, इंटरकास्ट मैरिज। मैं क्रिश्चियन और वो पंजाबी। बट उसके बाद कुछ घर की जिम्मेदारियां भी थी। मेरा भाई जोसेफ छोटा था, ऐसे में मेरे पेरेंट्स हमें छोड़कर चले गए। और जोसेफ को पालने के लिए मैंने अपने प्यार को, और जोसेफ कहाँ है? जोसेफ, जोसेफ इज नो मोर। किसी ने उसका उसका मर्डर कर दिया। लेकिन क्यों? कुछ नहीं मालूम पड़ा आज तक।
आज तक ये नहीं पता चला कि उसको किसने किसने मारा। जोसेफ ने मरने से पहले मुझे एक कॉल किया था। और फिर उसके बाद उसकी उसकी डेड बॉडी एक गार्डन में मिली। जोसेफ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। और फिर मैंने शराब को ही अपना सहारा बना लिया। फिर एक दिन लकी ने मेरी जिंदगी में पूजा को भेज दिया। पूजा एक बेटी की सारी कमियां पूरी कर दी। और अब तो तुम भी आ गई हो। चलो अभी रोना धोना बंद करती हूँ। चलो मैं भी पागल हूँ। चलो चीयर्स करते हैं। कमाल कमाल चीयर्स। हाँ हाँ लकी। हाँ नेहा पहुंच गई। हाँ हाँ नेहा बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है मैं मिलती हूँ। हाँ आंटी आप रोहन से मिलना चाह रही थी ना। हाँ हाँ ये है रोहन। हाय रोहन। हाय रोहन तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। आ क्या सकते हो जब भी तुम्हारा मन करे यहाँ रुकने का रुक भी सकते हो। नेहा थैंक यू। जब भी रोहन रुकना चाहे ना इसे मेरे भाई के कमरे में ठहरा देना। ये भी तो मेरे छोटे भाई जैसा ही है ना। और हाँ अगर ये चाहे तो मेरे भाई के कपड़े भी यूज कर सकता है। ठीक है आंटी थैंक यू। ओके मैं चलती हूँ। बाय। रोहन तुम कपड़े चेंज कर लो मैं तुम्हें स्विमिंग पूल पे मिलती हूँ। दारू पी के स्विमिंग कर रही हो। ऊपर ही जाना तो इसके और भी बहुत तरीके हैं। क्यों बेचारे स्विमिंग पूल को तुम बदनाम कर रही हो? ओफो रोहन इतने दिनों बाद मिले हो कुछ अच्छी बातें करो। जैसे कि कुछ मेरी सुनो और कुछ अपनी सुनो। दारू का ग्लास देख के ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अच्छा रिएक्ट ना करो तो क्या करूं? हां रात को 12 बजे तुम दारू पी के स्विमिंग कर रही हो तो क्या खुशियां मनाओ मिठाइयां बांटो दिवाली मनाओ? क्या करूं जब तक 5-6 पैक पी न लूं नींद नहीं आती है। ये सब तुम्हारी बेशुमार दौलत का नतीजा है जो हर वक्त दारू पीती रहती हो। सोते बैठते उठते जागते तुम्हारे लिए दारू की बोतल खरीदना ना पानी की बोतल खरीदने के बराबर है। नहीं रोहन मेरी जिंदगी की सच्चाई सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं अपना सब कुछ रिश्तेदारों में लुटाकर यहाँ तक पहुंची हूँ। थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। सोचती हूँ इतनी लंबी जिंदगी कटेगी कैसे। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो अब तो तुम्हारे पास करोड़पति आंटी जो है। कम ऑन रोहन हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा जिस तरह हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता ना उस तरह हर वक्त शराब पीना भी अच्छा नहीं होता। ज्यादा शराब जहर का काम करती है। जहर? इस अमृत को तुम जहर कह रहे हो? मेरा मजाक उड़ा रही हो?
किसने जहर कहा, ये है अमृत का प्याला। जीना सिखलाया है इसने, हर पल ही मुझे संभाला। मस्ती मौज मना ले, अंग से अंग मेरा ले है। मस्ती मौज मना ले, अंग से अंग मिला ले। टेंशन मत ले, मैं देखती हूँ, रुक देखती हूँ। चल मैं संभाल लूंगी, तू दरवाजा खोल। आइए आइए भूपत भाई। धन्य भाग हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। क्या भूपत भाई, सुबह सुबह आके डिस्टर्ब करते हो, नींद खराब होती हमारी। अरे क्या बोली तूने, डिस्टर्ब ना करूं तो तेरी आरती उतारूं, और जो तुम दोनों ने सारी रात राग अलाप अलाप कर मुझे डिस्टर्ब किया उसका क्या? भूपत भाई, दरअसल हमारी फ्रेंड का बर्थडे था, उसने थोड़ा डांस वांस और म्यूजिक का प्रोग्राम रख दिया। गाने बजाने का प्रोग्राम बन गया, ये मेरा घर है, कोई मुद्रा खाना नहीं है। और सुनो, तुम दोनों की ना बहुत सारी शिकायतें मुझे आ चुकी हैं। हे भगवान, मुझे तो खुद शर्म आ रही है, मुझे बताते हुए शर्म आती है। और हाँ, मुझे तो सब कुछ बता के तुम दोनों करते क्या हो? क्या करते हैं भूपत भाई, आप कुछ करने कहाँ देते हो? सुबह सुबह अपना मनुष्य चौकटा लेके आते हो। हम पर लांछन लगा रहे हो भूपत भाई, हमारी जैसी लड़कियाँ ना आपको चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी।
हो, अब मैं समझ गई कि आप सुबह सुबह इतना गुस्से में क्यों आए। इस महीने अभी तक किराया नहीं दिया ना हमने, है ना? किराया? आज किराया मांगने नहीं आया हूँ, मेरा घर जल्दी खाली करो तुम दोनों। भूपत भाई हमें माफ कर दीजिए ना प्लीज, आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अरे तुम लोग मुझे माफ कर दो, परसों तक एक कमरा खाली होना चाहिए, समझी? हाँ परसों यानी परसों। हे भगवान, कहाँ फंस गया इन दोनों अय्याश लड़कियों के चक्कर में, घर चक्कर बन गया मैं। बबली सुबह सुबह मुड़ के माँ बहन कर दी, बड़ा ही चीप इंसान है ये गंजा। यार बबली रात ही अच्छी होती है हमारे लिए, सुबह तो होनी ही नहीं चाहिए। चल यार यहाँ से ऐसे शहर चलते हैं जहाँ पर दिन रात मधोशी का आलम चलता रहे। काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ। खुद ना रही है, दूसरे को नहा रही है, कर दी ना मेरे कपड़े की ऐसी तैसी। क्या सर, मैं पानी में थी, आपकी आधी बात सुनी, ऐसी की तैसी क्या? मेरा मतलब है कि नाने का भी कोई तरीका शरीका होना चाहिए, खुलेआम ना रही हो। मुझे तो यही तरीका आता है सर, अगर आपको इसे अच्छा और तरीका आता हो तो आओ पानी में। अच्छा तो मैं आपको तरीका सिखाने के लिए इस स्विमिंग पूल में डुबकी लगाऊं, आपको डेमो दिखाऊं? है जी, मैं रोज रोज नहीं नहाता और मैं इतने होट पानी में भी नहीं नहाता, मैं सिर्फ दिवाली और ईद को नहाता हूँ। क्या बात कही सर आपने, आइए ना बड़ा मजा आएगा। डेमो का डेमो और स्विमिंग की स्विमिंग। नहीं मैडम ने मेरा पता नहीं कैसे कैसे नमूने पाल रखे हैं। पाले नहीं सर, यहाँ पे तो नमूने ही आते हैं। है? मेरे अलावा भी कोई आता है? है जी, थैंक यू। ओ कमाल कर दिया यार, तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है, पीछे से पीला कैसे गीला कर दिया। ओ मैं केस कर रहा तेरे ऊपर, मेरे को गीला किया समझे? हाँ जिस दिन कोर्ट के चक्कर काट काट के पसीने आएंगे ना तब समझ में आएगा कि गीला कैसे होता है। अरे चड्डा साहब ये आप टेढ़े मेढ़े कैसे खड़े हैं? कहा टेढ़ा मैडम, मैं तो एकदम सीधा खड़ा हूँ। ये क्या है, ये आप बिन बरसात के कहाँ से भीग के आ रहे हैं? जी क्या बताऊँ जी, जो आपने अपने स्विमिंग पूल में बिन बादल की बरसात करने की जो मशीन लगा रखी है ना, उससे इतनी जोर से पिचकारी निकली कि मैम। लगता है आप नेहा से मिलकर आ रहे हैं, एक्चुअली उसे स्विमिंग का बहुत शौक है। अजी कमाल का शौक है, ये वही कुड़ी तो नहीं है जो आपने नई नई पीजी रखी है? जी हाँ नेहा वही लड़की है। अच्छा अच्छा नेहा नाम है। जी नाम भी अच्छा है और शक्ल भी अच्छी है जी। अब जी मन की पता नहीं की अंदर से सोने की है कि पीतल की है। ऐसी कोई बात नहीं है चड्डा जी, एक्चुअली नेहा थोड़ी नटखट जरूर है पर मन की बहुत अच्छी है। ओ जी मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ पर्सनल वकील होने के नाते। हाँ जी कि जब भी आप कोई पीजी रखे ना तो उसका फोटो शोटो लेके ना वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। हाँ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है चड्डा साहब, लेकिन अब मैं
अकेले कहाँ पुलिस स्टेशन वगैरह के चक्कर काटते हो? कमाल करती हो आप। मेरे होते हुए आपको धक्के खाने की जरूरत है? मैं खाता हूँ ना धक्के, वो है ना अपना चुलबुल पांडे, मेरा मतलब है कि गुलशन पांडे इंस्पेक्टर, वो अपने आप कर लेगा वेरिफिकेशन, ये वकील का काम है, आपका नहीं है, है जी। लेकिन वो इतना बड़ा इंस्पेक्टर, मेरा ये छोटा सा काम कर देगा जी, बिल्कुल कर देगा। दोस्त है मेरा गुलशन पांडे, दोस्त है, खास दोस्त है जी, एक फोन पे किसी को भी अंदर किसी को भी बाहर करा सकते हैं, तो बहुत छोटी बात है जी। लेकिन वकील साहब अंदर तो आइए, चाय तो पी के जाइए। आदर नहीं मैडम जी, फिलहाल तो कोई और अंदर है, यानी कि मेरा कोई क्लाइंट अंदर है, उसको मेरे को छुड़ाने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा, फिर कभी आऊंगा मैं आपकी चाय पीने के लिए। अच्छा सुनिए, तो वो मैंने आपको एग्रीमेंट के पेपर्स लाने के लिए कहा था ना, उसका क्या हुआ? एग्रीमेंट की कॉपी कहीं स्विमिंग पूल में तो नहीं गिर गई? किधर गई? कमाल है, याद नहीं आ रही है। ये रही जी आपकी फाइल, ये लीजिए आपकी एग्रीमेंट की कॉपी। आप बिना चड्डा साहब केस कैसे लड़ते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता। थैंक यू मैडम जी, मैं आता हूँ फिर आपके सारे काम निपटाता हूँ, है जी। अच्छा ठीक है, हद कर दी आपने परदेसी बाबू। ये चड्डा साहब भी ना एक नंबर के नमूने हैं, लेकिन ये केस कैसे जीत जाते होंगे। ओ जीसस। हाय पूजा। हाय बबली, क्या बात है, परेशान क्यों है, सोई नहीं थी क्या रात को? सोई तो बहुत हूँ यार, कल मैंने और किरण ने बहुत एंजॉय किया था। हाय हाय, लेकिन पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से वो मकान मालिक भूपत भाई आ गए और मेरे दिमाग की दही कर दी। क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या था यार, वही रोज की उल्टी सीधी बातें। कहने लगा तुम लोग रात भर नाच गाना करती हो और सबको डिस्टर्ब करती हो, हमें सोने भी नहीं देती। मैं समझ गई, कुछ नहीं है, ये सब है ना किराया बढ़ाने के चौंचले हैं। नहीं पूजा, किराया तो हम लोग भी ज्यादा देने को तैयार हैं, लेकिन भूपत भाई ने अल्टीमेशन दिया है कि परसों तक किसी भी हालत में रूम खाली करना होगा। तू तो जानती है यार, लड़कियों के लिए कितना मुश्किल है यहाँ घर ढूंढना। वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या सोचा है? यही तो सोच सोच के परेशान हूँ यार कि अब नया घर कहाँ से ढूंढूं। एक काम करते हैं, मैं डेजी आंटी से बात करती हूँ, वो तो लड़कियों को ही पीजी रखती है, और मैं कहूंगी तो इनकार भी नहीं करेंगी। थैंक यू सो मच पूजा, तूने तो मेरी आधी टेंशन दूर कर दी। अच्छा ये बता, बात करके कब तक बताएगी? बताना क्या है, कल मेरी तो छुट्टी है ही, और तू भी डांडी मार लेना, सुबह 10 बजे तक पहुंच जरूर जाना। ठीक है, हम जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन तू तब तक मामला जमा लेना। तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगी, रिलैक्स। यार बबली, जिस तरह से भूपत भाई की जलीकटी सुन के यहाँ से जा रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि उस जगह पर भी ऐसी नौबत आए। मैं समझी नहीं। मतलब ये इस जगह हमें अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियों जैसे समझा जाता है, क्यों ना हम तेजी आंटी के यहाँ पूरी इंडियन लड़कियाँ बनकर जाए, ताकि आंटी पूजा की भी तारीफ करे कि क्या लड़कियाँ लाई है, वाह वाह। हाँ ये ठीक रहेगा, यस। दोनों मिलकर एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी सामान बटोरते हैं, उसके बाद मॉल चलते हैं, और फिर वहाँ से कोई इंडियन ड्रेस लेकर सीधा तेजी आंटी के यहाँ जाते हैं। ओ जी वर्मा जी, आपको टेंशन लेने की अब जरूरत ही नहीं है, जब आपने इतना बड़ा वकील कर लिया है, है जी। ओ जी तलाक कराने में तो मैं मास्टर आदमी हूँ, ओ जी मेरे पूरा मोहल्ला आगे आप चेक कर सकते हो जी, पूरे बैचलर के बैचलर थे, मैंने सबके तलाक कराए हैं, और जी आपका भी कराऊंगा, ये मेरा वादा है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फ्लैट दिलाऊंगा जी, बैचलरों की कॉलोनी में, और उसके बाद आपकी दूसरी शादी मैं ही कराऊंगा जी, टेंशन मत लेना जी, बिल्कुल मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अजी ओ जी मैं बाद में कॉल करता हूँ। कमाल है पांडे जी, एक तो हमारे चुलबुल पांडे, ऊपर से हमारे गुलशन पांडे, है जी। आज तो मैंने सोचा तुसी आओगे नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों लगा आपको? जी आज तो क्या है ना कि एंटरटेनमेंट की बारी आपकी थी ना। एंटरटेनमेंट भी हो ही जाएगा जब मैं आ गया हूँ। तो फिर खाली हाथ कैफे आ गए? सामान तो एक फोन पे आ जाएगा। वो तो तब आएगा ना जब माल आएगा। यार कमाल है यार, पांडे जी माल शाल बाद में गिलेगी, पहले बैठो। अच्छा बाजार में मुझसे टकराई, मेरी बेइज्जती तो की, साथ में मेरा पर्स लेके गई। तो पाजी ऐसा लगता है कि ये दुकान मैनू भी इत्थे ही खोलनी पड़ेगी, कहीं वो लड़की
मुझसे टकरा गई तो। अरे चड्डा साहब, आपकी जेब अगर उसने मारी ना, उसमें पैसे उल्टा डाल के जाएगी। आप भी ना एकदम नोटी बॉय हो। अच्छा पांडे जी, एक काम की बात याद आ गई पहले तो। क्या? वो जी मेरी एक फ्रेंड है, टेजी फर्नांडिस। वो जी उसका वड्डा बंगला है, पैसे वाली है। वो जी वो पीजी रखती है लड़कियों को, है? वो जी बड़े दिल की है। तो जी दो लड़कियां और आई है उनके यहाँ रहने के लिए, तो जी उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना सी, तो फिर मैंने उनको कह दिया जी, ओ जी चुलबुल पांडे को छोड़ो, हमारे गुलशन पांडे काम है, इंस्पेक्टर साहब वो अपने आप कर देंगे। ओहो चड्डा साहब, समाज सेवा के लिए ही तो हैं, ये लो पैसे, आप फोन करो। हाँ जी हाँ, ये काम तो मैं पहले करना है जी। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, वाइन शॉप। हाँ हाँ, आइए आइए, आप भी आ जाना, ठीक है। हाँ आंटी। अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ पूजा, ये वो मैंने आपसे बात की थी ना। कौन है लड़कियाँ? पूजा, ये लोग कौन है? पूजा जी को तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है मौसी जी, हम अपना परिचय स्वयं दे देते हैं। हम पूजा जी की वही सहेलियां हैं जिन्हें आपके यहाँ पेंगेस रखवाने के लिए पूजा जी ने आपसे अनुरोध किया था। पाए लागो। मौसी जी, हम अपने सामान कहाँ रखे? पूजा, हम ये रोज रोज महफिल जमाने वाले इन भैंजियों को कैसे झेलेंगे? आंटी, आंटी, ड्रिंक्स आर रेडी। ये चेयर्स। हाँ, व्हाट इज दिस? वैसे आंटी, हम बहनजी टाइप की लड़कियां नहीं है, और हम लोग बहनजियों के साथ रह भी नहीं सकते। एक्चुअली हमें कोई रखना ही नहीं चाहता ऐसे में। ओह रियली, गॉड इज रियली सो काइंड। चलो आज से तुम भी हमारी महफिल में शामिल हो जाओ। ओके। पूजा, नेहा, लगता है हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। ओए लक्की सिंह के बिना कैसे फैमिली कंप्लीट हो सकती है? लक्की आओ आओ बैठो। बैठो। लो आंटी। लक्की, ये पूजा और नेहा को तो तुम जानते हो। लेट मी इंट्रोड्यूस माय न्यू फैमिली। ये किरण है और ये बबली। आहो जी। आज से बबली और किरण भी हमारे साथ रहेंगे। ओए बबली भी बहुत चंगी कुड़ी है, वो मेरे ही पब में काम करती है। अच्छा चलो, फिर हम सब जब इकट्ठे हो ही गए हैं तो क्यों ना सेलिब्रेट करें। बिल्कुल जी बिल्कुल। वाह जी वाह, क्या बात कही है। चेस। कह गए, एक ने कही दूजे ने मानी, सारी दुनिया ज्ञानी। में खाना सजता है, संगीत गुलाबी बजता है, जब जग में अंधेरा होता है, हमारा सवेरा होता है, अपना में खाना सजता है, संगीत गुलाबी बजता है। यारों की महफिल सजती है, जब सबकी घंटी बजती है, फिर जाम पे जाम छलकते हैं, होठों से शेर निकलते हैं, हम ऐश वैश भी करते हैं, दिल होश वोश भी खोता है, जब जग में अंधेरा होता है, तो हमारा सवेरा होता है, अपना मैं खाना सजता है, संगीत गुलाबी बजता है। हम सबको खुशी मनाना है, पीना तो एक बहाना है,
ये जीवन मिला है जीने को, मस्ती के प्याले पीने को, मनवा मस्ती में खोता है, दिल प्यारे ख्वाब संजोता है, जब जग में अंधेरा होता है तो हमारा सवेरा होता है, अपना मखाना सजता है, संगीत गुलाबी बजता है। हंस हंस के गले मिलो यारो, फूलों की तरह खिलो यारो, दुश्मन को यार बना लो तुम, अब खुल के जश्न मना लो तुम, यारी किस्मत से मिलती है, के यार बहुत कुछ होता है, जब जग में अंधेरा होता है तो हमारा सवेरा होता है, अपना खाना सजता है, संगीत गुलाबी बजता है, जब जग में अंधेरा होता है तो हमारा सवेरा होता है, अपना मखाना सजता है, संगीत गुलाबी बजता है, जब जग में अंधेरा होता है तो हमारा सवेरा होता है, अपना मखाना सजता है, संगीत गुलाबी बजता है। तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। वॉशरूम जाना? जल्दी आना। बस 2 मिनट। ओके। थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। बात है, लुकिंग सेक्सी। हाँ, आज तो जान ही ले लोगी, कहर बरसा रही हो तुम। आई लव यू। कमरे में पानी नहीं था तो मैं पानी लेने आई थी। पास वाले कमरे में फ्रिज है ना? मुझे पता नहीं था, वहीं से ले लो। ओके आंटी, गुड नाइट। किरण, किरण इतनी रात को आंटी के कमरे में क्या करने गई थी? तुझे तो पता है ना यार, ये शराब के नशे में कहीं भी घूमती रहती है। शराब की नशे की बात नहीं है, मुझे ये लड़की ना कुछ ज्यादा स्मार्ट लगती है। छोड़ ना यार, अपने को क्या लेना देना, बहुत नींद आ रही है, चल ना सोते हैं। चल आ जा।
ये क्या किया? सॉरी सर। क्या सॉरी? बड़ा गंदा शब्द छोड़ गए ये अंग्रेज। किसी की भी वो कर दो और बोल दो सॉरी। सर ये वो क्या है? ड्यूटी पे हूँ, नहीं तो एक्सप्लेन करके बताता वो क्या होता है। वो? कैसी बेवकूफ लड़की है, पूरी ड्रेस के लिए करती है। हे सूर्य देव, करो कोई कृपा, सुखा दो मेरी ड्रेस, वरना बड़ी बेइज्जती होगी अंदर। क्या सोचेंगे लोग यार। ए पॉकेट मार लड़की, चल मेरा पर्स निकाल। अरे गुंगी हो गई क्या? उस दिन तो बड़ा फटफट बोल रही थी, बोलती क्यों नहीं? सर 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 सर, ये वो नहीं है, ये तो स्टैचू है। स्टैचू? लेकिन इसकी शक्ल एक पॉकेट मार लड़की से मिलती है, सामने आ जाना तुम। इसे नहीं, उसे मारिएगा। स्टैचू है। स्टैचू? ये बोली? नहीं सर, ये नहीं बोली, शायद आपको गलत फहमी हुई है। कान बज रहे हैं? स्टैचू है। स्टैचू भाई, ये पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा है? आंटी, दिन कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। सच में बहुत मजा आता है। एक्सक्यूज मी, डेजी मैम। आप इंस्पेक्टर गुलशन पांडे? जी जी, नमस्कार। नमस्कार पूजा, जाओ बाकी लड़कियों को बुला के लाओ। जी आंटी। आइए बैठिए। आप कहाँ चली? जी मैं जाने रही, बैठ रही हूँ। मतलब एक ये और तीन लड़कियां और चार लड़कियां आपके पास? जी हाँ। अच्छा, वैसे मैम कितने रूम्स हैं आपके घर में? जी रूम्स तो इतने हैं कि पूरा शहर समा सकता है हमारे घर में। किसी समय में चड्डा साहब ने बताया था कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास। एक्सक्यूज मी सर, तीन? चौथी लड़की कहाँ है? वो सर वॉशरूम में है। वॉशरूम में? पुलिस वाला हूँ, कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है वो स्टैचू बन के खड़ी है, बुलाओ उसे। जी सर। स्टैचू? मैं कुछ समझी नहीं इंस्पेक्टर साहब। डेजी मैम, आपकी वो जो चौथी लड़की है वो दरअसल एक पॉकेट मार है। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, ये तो बहुत शरीफ लड़कियां हैं। मेरा पर्स मारा है उसने। क्यूरी, पॉकेट मार, क्या सोच रही थी यूं स्टैचू बनके मुझे बेवकूफ बना लेगी तू? ऐसा लॉकअप में डालूंगा, याद करेगी तू। इंस्पेक्टर साहब जाने दीजिए ना, एक्चुअली ये थोड़ी नटखट लड़कियां हैं, चंचल हैं, बचपना है इनमें, मस्ती करती रहती हैं, भूल से कुछ गलती हो गई होगी, माफ कर दीजिए ना। चलो सॉरी बोलो। सॉरी। पर प्लीज मैम, प्लीज मेरी खातिर इसे माफ कर दीजिए ना। और हाँ, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, आपका जो भी नुकसान है वो मैं भर दूंगी। ठीक बताया था चड्डा साहब ने आपके बारे में, आप वाकई बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज के वक्त में इतनी अच्छाई आप धोखा खा सकती हैं। I just believe in God. चलिए इनसे कहिए अपना एक एक फोटोग्राफ और आईडी प्रूफ लेके आए। जाओ लेके आओ। जी जी, जी। एक्सक्यूज मी। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? रोहन। आपने तो कहा था यहाँ चार लड़कियां रहती हैं, ये कौन है? ये एक्चुअली नेहा का फ्रेंड है, उससे मिलने आया था। ठीक है, क्या मैं जा सकता हूँ सर? जा सकते हो। थैंक यू। यहाँ पुलिस वाले भी आते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ओके। वकील साहब, वकील साहब, मेरे ऑफिस में लड़की की आवाज़ है। वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब। कौन है? ओए कौन? कौन है? अरे इतना मोटा केस है। जी ये केस तो मैंने टेबल पे बैठ के ही सुनना पड़ेगा। कहिए तो आप नीचे क्या कर रहे थे? ओ जी नीचे नीचे तो जी मैं अपनी चवन्नी ढूंढ रहा था, दो दिन हो गए मिल नहीं रही है। तो ना जी ना, मैं चवन्नी छाप वकील नहीं हूँ, मैं तो अठन्नी छाप वकील हूँ। सरकार भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, मैंने 10 बार सरकार पे केस किया तब जाके वो माने जी कि मैं वकील हूँ, बड़ी मुश्किल से मनवाया कि मैं वकील हूँ। है जी, खैर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप यहाँ आई कैसे? मैं बस से आई। मेरा मतलब है कि बस से तो रोज मैं भी आता हूँ, है ना? मेरे पास क्या करने आई हो? मैं बहुत परेशान हूँ। तो पति से तलाक ले लो।
मैं पति से नहीं पड़ोसी से परेशान हूँ। इसका मतलब आपका पड़ोसी से भी है जी? मतलब आप रहती कहाँ हो? आपके पड़ोस में मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, देने के लिए भाड़ा नहीं, डिपॉजिट नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो दो ना। मैं सब दूंगा। तो दो ना। अभी छुट्टा नहीं है, मैं ना आपके लिए चेक लेके आता हूँ। अगर बाउंस भी हो गया ना तो केस तो मुझे ही लड़ना पड़ेगा। आया वकील साहब, वकील साहब। नेहा, यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और ये फाइल कैसी है? आंटी की फाइल है। आंटी की फाइल यानी कि प्रॉपर्टी की फाइल? हाँ हाँ, आंटी की प्रॉपर्टी की ही फाइल है। तुम्हें कैसे पता कि ये फाइल यहाँ पड़ी है? मैं तो अपने मोबाइल का चार्जर ढूंढ रही थी, कहीं मिला नहीं तो अलमारी में जाकर देखा, वहीं ये फाइल मिली। अरे नेहा बबली। आंटी आज ना मैं तुम दोनों को कुछ अपने हाथ से स्पेशल बना के खिलाती हूँ। अरे ये फाइल तुम्हारे पास? ओ वो क्या है ना आंटी, मैं तो अपने मोबाइल का चार्जर ढूंढ रही थी लेकिन देखा आपकी प्रॉपर्टी की फाइल मिली। हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी की ही फाइल है। आंटी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल आपको संभाल के रखनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए आंटी, आपने ये फाइल यहाँ रखी क्यों? अरे बाबा वो अपने वकील साहब है ना, उनसे कुछ काम था इसीलिए निकाली थी बाहर, अभी मैं इसे सेफ में रख देती हूँ। आंटी आप भी ना कितनी सीधी हैं, ये बताना जरूरी तो नहीं कि आप इसे जाकर सेफ में रखने वाली हैं। अरे बाबा मेरी प्रॉपर्टी को क्या होने वाला है, और मेरी असली प्रॉपर्टी तो तुम लोग हो ना। चलो अब 10 मिनट बाद जल्दी से किचन में आ जाओ, मैं तुम लोगों को एक स्पेशल चीज दिखाती हूँ। देखा कौन कहता है कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है। अरे चम्मक चलो, अपनी आंखों से एक जाम पिला दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? Gentlemen, be in your limits. अरे अगर लिमिट पार कर दूंगा तो तू क्या कर लेगी मेरा? अपने बाप के जायज औलाद है तो मुझे बोल के दिखा जो तूने इस लड़की को बोला। बोल 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 ना, अब बोल, क्यों नहीं बोल रहा बोल। ओए पापा, ओए तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू रोज यहाँ पे आकर दंगा करता है, चल बाहर यहाँ से। अरे चल ये तो दे दे, ग्लास कितने लेके जा रहा है? पैसे दी कर की बुड्ढा। अरे भाई दरवाजा तो खोलो जरा, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अरे दरवाजा, ओए पापा कट पी आकर ये रहा दरवाजा। ओए दरवाजा नहीं, खिड़की मारते। ओए चल यार दबाओ। ओए चलो कुड़ियो तुम भी थक गई हो, जाओ अपने कपड़े सबसे बदलाओ, घर जाओ, जाओ आराम करो। चलो भाई बाहर बंद करने का टाइम हो गया है। अरे किरण क्या हुआ? साले मवाली को उसके औकात याद दिला दी, बबली को छेड़ रहा था। किरण तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने यू नो तुम्हें बबली की सहेली नहीं बल्कि बबली का बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए था। वो तो मैं हूँ ही, बबली से पूछ लो। क्यों बबली तुम्हारा बनती है? बोलो बोलो। अच्छा मजाक था। बबली तू बहुत खुश नसीब है, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा हो। खुश नसीब लोगों को ही किसी का साथ मिलता है। ओहो कम ऑन पूजा, मैं तो बताना ही भूल गई, रोहन और मैं यहाँ पर किस मकसद से आए थे? मकसद? नेहा तुम्हें हम लोगों से मिलने के लिए मकसद की जरूरत है? अरे यार वो मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कल डेजी आंटी का जन्मदिन है और हम उन्हें सरप्राइज देंगे। यस यस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ?
आगे क्यों बैठे हो तुम लोग? अरे बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ? ओ गॉड, नेहा, पूजा, किरण, बबली, बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ? लगता तुम लोगों ने आपस में फिर झगड़ा किया है ना? कम ऑन, हे नेहा, पूजा, किरण, बबली, प्लीज कुछ बोलो ना, माय हार्ट बीट इज गेटिंग फास्ट, बोलो ना। आंटी, हम आपको सब बता देंगे। ओह गॉड, लेकिन इससे पहले आपको हमारी बात माननी होगी। हाँ हाँ, बोलो तो सही, क्या बात है? पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारी बात मानेंगी। अरे हाँ बाबा, प्रॉमिस मानूंगी। तो पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद? पर क्यों? कीजिए ना। ओह माय गॉड, ओके, ये लो, जल्दी बोलो ना। अरे अरे, क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? अरे आंखें तो खोलो। चलिए तो आंटी। ओफो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे अरे प्लीज, अब तो आंखें खोलने दो, मुझे घबराहट हो रही है। हाँ हाँ आंटी, खोल लीजिए। हाँ। अरे केक, तुम लोगों को याद था मेरा बर्थडे? Happy birthday to you, 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 happy birthday. Thank you so much. ओए Daizy, ओए तुम्हारा बर्थडे हो और भला मैं भूल जाऊं? हैं, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो, हो सकता है? बिल्कुल नहीं। केक सेट काटो अब। थैंक यू एवरीबॉडी, आज मुझे जोसेफ की याद आ गई, क्योंकि जोसेफ ही तो था जो प्यार से मुझे बोलता था। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Daizy, happy birthday to you. Thank you my brother, thank you, I really love you. सालों से तुम मेरी आँख खुलते ही सबसे पहले मुझे विश करते हो। Thank you so much. Sorry. Thank you so much. Thank you. Thank you. वोई चलो अब केक काटो जल्दी। Thank you. Thank you. काटो। आंटी जी हैंडल काटो। ओके। एक एक करके हाँ। अरे अरे, पहले बर्थडे वाले केक खाते हैं। थैंक यू, लकी पाजी को बड़ा केक खिलाओ, बड़ा। मेरा नंबर कब आएगा? ये लो, बड़ा पार्टी सब अपने आप लेना। चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। हम हैं मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां, ये है मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां। आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें, आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें। दारू पी के खुलती दिल की बंद खिड़कियां, हम हैं मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां,
ये है मदहोश लड़कियाँ, मदहोश लड़कियाँ। आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें। आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें। अफसाना, खाना पीना, हंसना गाना, हर टेंशन को दूर भगाना। चीयर्स। चलो किसी डिस्को में जाएं, विस्की पिए और पिलाएं, मदहोशी में वापस आए। चीयर्स। चाहे आंधी आए, चाहे बरसे बिजलियां, हम हैं मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां। ये है मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां। मुर्ग मुसल्लम खाए। चीयर्स। खत्म कभी ये काम न होंगे, कल ये सुबह शाम न होंगे, होठों पे ये जाम न होंगे। चीयर्स। जियो हजारों साल दुआएं देती तितलियां, ये है मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां। आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें। आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें। दारू पी के खुलती दिल की बंद खिड़कियां, हम हैं मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां। हम हैं मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां। हम हैं मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां। आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें। आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें। आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें। चीयर्स। Happy birthday, Daizy Villa। जादव, तुम मेरा बर्थडे कैसे जानते हो? ये पूछो कि हम आपके बारे में क्या नहीं जानता है। अच्छा, गौर किया मेरी बात पे? जादव, जो मैं एक बार ठान लेती हूँ फिर मैं दोबारा सोचती नहीं हूँ, समझे तुम? फोन मत रखना, अभी तो तोहफा देना बाकी है। अगर तुम मुझे कोई तोहफा देना चाहते हो ना, तो तुम मुझे ये गिफ्ट दे दो कि तुम मुझे कभी फोन मत किया करो, समझे तुम? मिस कहीं का हा? मेरा फोन काटा, भाऊ का फोन काटा, पक्या को बुला रहे, फिर फोन आ गया इसकी तो। ओ चड्डा साहब। हेलो जी चड्डा साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू यू डेजी मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम। ओ जी मैडम जी, मुबारक, जन्मदिन मुबारक जी। ओ चड्डा साहब, आपको भी मेरा बर्थडे याद है? ओ जी कमाल है, आप जिए हजारों साल और हर साल के दिनों 50 करोड़ जी। अरे चड्डा साहब, इतनी लंबी उम्र किसको चाहिए, पर हाँ इतना जरूर है जो समय अच्छा बीत जाए वही अपना है। और जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए किसे पता है। ओ जी मैडम ना जी ना, ऐसे शुभ मुहूर्त पे, ऐसे शुभ दिन पे ऐसी अशुभ बात नहीं करनी चाहिए। हाँ चड्डा साहब, मैं आपको फोन करने ही वाली थी, एक जरूरी काम है। जरूरी काम? वो मैं आपको मिलके बताऊंगी। बस कल सुबह आपके दीदार यार करने आ जाऊंगा जी। ठीक है, गुड नाइट। कौन कहता है डीजी मैडम? लो जी आ गया डीजी मैडम का घर। आज तो कोई कुड़ी भी नहीं मिली, नहीं तो फिर से मुझे आगे से गिला कर देती और डीजी मैडम मेरा मजाक उड़ाती। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट के नाम कर दी और मेरे नाम क्यों नहीं कर दी? ये तो चलता ही रहता है। ये भी तो सारी की सारी कट्ठी मर गई है। बाप रे बाप, हैंगओवर तेरी आंखों का। ओ जी कमाल है, डेजी मैडम तो कहीं नजर नहीं आ रही। मैं क्या मैडम जी? ओ मैडम जी, ओ मैडम जी,
ये तो टल्लियों की सो रही है। ओ मैं क्या मैडम जी, गुड मॉर्निंग चड्डा सर। गुड मॉर्निंग मैडम। ये क्या तुम लोग अभी तक सो रहे हो? वो कल दिन भर और रात भर आंटी की बर्थडे की पार्टी चलती रही, इसलिए हम लोग सब यहीं सो गई। ओ मैं क्या जी, वो डेजी मैडम को जरा बुला देंगे? श्योर सर, अब बैठिए ना। संभाल के डेजी आंटी उठो ना, डेजी आंटी। नहीं है। अरे बबली क्या हुआ? बबली क्या हुआ? फिर क्या हो गया मैडम जी? मैडम जी मैडम जी वकील साहब आप यहाँ? पांडे जी अच्छा हो गया आप आ गए। कैसे हुआ ये सब? बस पांडे जी क्या बताएं, मैं तो अभी आया था जी, मैडम का फोन आया था, बोली थी पेपर में कुछ चेंज कराना है और मैं फाइल लेकर आया था, और जैसे ही मैं घर में आया तो मैंने कुड़ियों को देखा, सबके सब सोई पड़ी थी, तो मैंने इस लड़की को कहा कि बबली प्लीज आप मैडम जी को बुला दीजिए, तो ये अंदर आई और इनकी चीख की आवाज सुन के हम सब दौड़ के अंदर आ गए, तो देखा मैडम। तुम सब लड़कियां यहीं रहती हो ना इस घर में? जी सर। तुम्हें कुछ नहीं पता कैसे हुआ ये सब? हमें नहीं पता सर। नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। चीखने की आवाज या आते जाते देखा किसी को? नहीं सर। तुम में से बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? बबली ने। मैंने। कैसे? दरअसल हम देर रात तक पार्टी कर रहे थे, कल इसी आंटी का बर्थडे था और हम लोग पार्टी के बाद ऐसे ही सो गए। सुबह जब चड्डा साहब घर पर आए तो उन्होंने आंटी को बुलाने के लिए कहा, और जब मैं आंटी को बुलाने के लिए कमरे में आई तो मैंने देखा रोहन कहाँ है? सर पार्टी के बाद रोहन और लक्की अंकल रात में ही निकल गए। ये हादसा कब हुआ हमें नहीं पता। ये घड़ी किसकी है? हमें नहीं पता सर। रोहन की घड़ी है ये? नहीं सर। आप लोगों ने बताया कि कल पार्टी में रोहन और लक्की सिंह आए थे, ये एक जेंट्स घड़ी है, या तो ये घड़ी लक्की सिंह की है या फिर कोई तीसरा भी था जो इस घर में आया था। सर आपको एक बात बतानी थी। बताओ। कुछ दिन पहले एक आदमी आया था
और डेजी विला को लेकर आंटी के साथ उसकी कुछ बहस भी हुई थी। उस पे डेजी आंटी बहुत नाराज भी हुई थी और उसने धमकी भी दी थी कि मैं फिर वापस आऊंगा। क्या वो दोबारा आया? नहीं सर। तुम कुछ उसका हुलिया बयान कर सकती हो? जी सर। सर उसका नाम यादव था और वो कह रहा था मुझे भाव बुलाओ। उसके हाथ में सोने और हीरे की अंगूठियां थी? जी सर। ठीक है, हवलदार स्ट्रेचर लेकर आओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही तहकीकात अच्छी तरीके से हो पाएगी और आप लोगों में से कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। ओके? समझे? इंस्पेक्टर, क्यों आया था आप उनके ऑफिस? कैसा लाला था? अरे भाऊ आप आइए आइए, मैं जरा इधर का काम निपटाता हूँ, सीएम साहब को बोलना आधे घंटे में आता हूँ मैं। जी भाऊ बताइए क्या लेंगे आप? काम की बात कर, काम की, क्यों आया था मेरे ऑफिस? अरे भाऊ कुछ तो चाय लेकर। भाऊ वो क्या है कि डेजी विला की मैडम डेजी का मर्डर हो गया। हाँ पता चला, पर ये बता मेरे ऑफिस क्यों आया था? कुछ खास बात नहीं है भाऊ, डेजी विला की लड़कियों ने बताया कि कुछ दिन पहले आप उनसे मिले थे और कत्ल वाली रात आपका फोन भी आया था। तो तू क्या कहना चाहता है, डेजी मैडम के कत्ल में आपका हाथ है? नहीं नहीं भाऊ, आपका सिर्फ नाम आया था इसलिए। देखिए इंस्पेक्टर, आप उन वहां गया था लेकिन डेजी मैडम के फायदे के लिए गया था। आप उन बोला डेजी मैडम को कि मैडम इस बंगले के बदले कैश लीजिए, दूसरा बड़ा बंगला लीजिए, बस बाकी अपना कोई फायदा नहीं था। पर हाँ वो मेरा ख्वाब था, बाकी अपना कोई लालच नहीं था। समझ गया भाव, चलता है अपुन। भाव वो कुछ चाय पानी तो लेते? बोला ना टाइम नहीं है अपुन के पास, वो तो मैं तुम्हारी वर्दी की इज्जत रख ली इसलिए खुद आया, वरना थूकने के लिए भी हम चांदी के बर्तन रखते हैं। सरकार की सेवा करते हैं इसलिए सरकारी अफसर की इज्जत करते हैं, वरना टाइम किसके पास। चल चलता है मैं, सीएम साहब वेट कर रहे हैं। चला रे निकुया। समझ में नहीं आ रहा कि आंटी जैसी नेक दिल औरत के साथ कौन चंडाल ऐसी हरकत कर सकता है। आज के जमाने में किसी का कोई भरोसा नहीं, कभी कभी कुछ उजले चेहरों के पीछे भी कपटी चेहरा छुपा होता है। मगर जब तक उस कपटी चेहरे का पता नहीं चल जाता हम चारों पर तो मुसीबत बनी रहेगी ना। आज की तारीख में जुर्म करना बहुत आसान है लेकिन कानून से बच पाना उतना ही मुश्किल। देख लेना वो कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो पूजा। हू इज दिस? मैं राज बोल रहा हूँ। कौन राज? मैं किसी राज को नहीं जानती। पूजा मेरी बात तो सुनो, एक मिनट फोन मत रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? मैं किसी राज को नहीं जानती। पूजा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। पूजा मेरी बात तो सुनो, मैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गेट लॉस्ट। अरे वो इंस्पेक्टर कहाँ रह गया? कह रहा था दोबारा आऊंगा लेकिन अभी तो कुछ अता पता नहीं उसका। कह रहा था इस शहर से कोई बाहर नहीं जा सकता, अब कहेगा इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता। उसके बाप का राज है क्या? हम नौकरी पे नहीं जाएंगे क्या? पूजा गेट रेडी। चलो चलो चलते हैं। चलो जलाल तू आई बुला को डाल दो। बला तो यहीं खड़ी है, ये तो वही है और अभी तक यही है, अभी निपटाता उसको। मैडम ओ मैडम चेक कर। मैडम क्या हो गया, आप अभी तक यही हो? आपके चेक के चक्कर में मुझे शॉक लग गया। हाय ऐसा शॉक लगा कि पूरे कपड़े काले पड़ गए।
चेक दो ना। चेक तो बाउंस हो गया जी। बाउंस? मैं अब कहाँ जाऊंगी? आज से मैं यही रहती हूँ, आप अपना बंदोबस्त कहीं और करो। ये तो मेरे से बड़ी कमी नहीं लग रही है, अभी भगाता हूँ बुलडोजर को। देखो जी मैडम, क्या ना कि मैं आपको सोच समझ के समझ के जो समझाना चाह रहा हूँ, और आप सोच समझ के समझ के समझ नहीं रही हो, इसलिए हम दोनों मिलके सोच समझ के समझ कुछ ऐसा समझ जाए कि तुम्हारी समझ में आ जाए, समझी? ये तो मैं सालों तक नहीं समझ सकती। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप जाके सोच समझ के समझ के आए, तो फिर मैं सोच समझ के समझ के सब कुछ आपके नाम कर दूंगा। जाइए आप समझिए। तेरे पूरे खानदान के समझ में नहीं आएगा कि मैंने तुझे क्या समझाया। कोई केस लाओ यार, कोई केस लाओ। तू यहाँ खड़े होकर क्या टाइम पास कर रही? पग शुरू होने का टाइम हो गया है। डेज़ी आंटी की बहुत याद आ रही है यार, किसी चीज में मन ही नहीं लगता। वो तो है यार, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। बबली, तुम डेज़ी मैडम को कब से जानती हो? मैं पर्सनली नहीं जानती सर, लेकिन हाँ पूजा के थ्रू जानती हूँ। पूजा के थ्रू? हाँ सर, दरअसल बबली और किरण को रहने की परेशानी हो रही थी, तो मैंने ही उन्हें डेज़ी आंटी के यहाँ पेंगेस रखवाया था। अच्छा पूजा, तुम डेज़ी मैडम को कब से जानती हो? करीब एक साल से, हमारे पब के मालिक लक्की अंकल ने मुझे वहाँ भेजा था। हाँ, नेहा बता रही थी कि उस दिन डेज़ी मैडम की बर्थडे पार्टी में रोहन के साथ साथ इस पब के मालिक लक्की सिंह भी शामिल थे। जी हाँ इंस्पेक्टर, उस दिन मैं भी उस पार्टी में मौजूद था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, क्या पता था कि डीजी के साथ ये आखिरी गेट टुगेदर होगा हमारा। अच्छा लकी सिंह जी, ये बताइए कि उस दिन पार्टी में आने के लिए आपको न्योता दिया गया था या आप अपनी मर्जी से आए थे? इंस्पेक्टर साहब, डेज़ी की किसी भी पार्टी में आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत नहीं। डेज़ी मेरे इतने नजदीक थी और पिछले 25 सालों में मैं उसकी हर पार्टी, हर गेट टुगेदर में शामिल होता रहा। अबली, ये रोहन कहाँ रहता है? मैं नहीं जानती सर, लेकिन हाँ एक बार नेहा को फोन करके पता कर लेती हूँ। घर पे पुलिस? इंस्पेक्टर साहब आप? तुम रोहन हो ना? जी सर। डेज़ी मैडम के घर आना जाना भी था तुम्हारा? जी सर, वो मेरी गर्लफ्रेंड नेहा वहां रहती है, तो इसलिए कभी कभी वहां आना जाना होता है। डेज़ी मैडम के बारे में कुछ पता चला? नहीं तो क्या हुआ सर? तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कुछ नहीं बताया? नहीं सर, मेरा फोन पिछले 2 दिन से खराब था, वो क्या के पानी में डूब गया था इसलिए ऑन नहीं हो रहा था। डेज़ी मैडम का कत्ल हो गया मिस्टर रोहन। क्या? डेज़ी आंटी का कत्ल हो गया? जी हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये कब हुआ? उसी रात जिस रात तुम भी उनके बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। लेकिन सर, मैं तो 2 बजे तक वहाँ था और हमने साथ में ड्रिंक्स भी लिए और डिनर भी साथ में किया हम लोगों ने। 2 बजे के बाद भी और 4 घंटों तक रात बाकी रहती है, क्या उन बाकी बचे घंटों में कत्ल नहीं हो सकता मिस्टर रोहन? लेकिन सर, मैं तो करीब 2:15 बजे वहां से निकल गया था। और लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ मिस्टर रोहन, बस एक रूटीन पूछताछ कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी की रात जिस रात डेज़ी मैडम का कत्ल हुआ, तमाम लोगों के साथ तुम भी वहां मौजूद थे, क्योंकि कत्ल तो हुआ है, पूछताछ तो करनी होगी। जी सर। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा।
क्या है यार ये कौन सी भाषा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है चश्मा लगाता हूँ ओ उल्टा है ये कैसी अफाई आ रहे हैं समझ गई क्या समझ गई जो आपने समझाया अच्छा था। जो मैंने समझा था तेरे समझ में आ गया है हाँ। तो फिर झटकी नहीं होगी झटकी हाँ मैं समझाता हूँ कि झटक झटक के झटकना झटकना भी एक झटक है और झटक झटक के जो ना झटके मेरी झटक में वो ना झटके झटकी झटकोगे भी नहीं दोबारा समझाता हूँ कि झटक झटक के झटकना झटकना भी एक झटक है और झटक झटक के जो ना झटके मेरी झटक में वो ना झटके झटकी नहीं झटकी झटकोगे भी नहीं झटकोगे भी नहीं एक काम करो बाहर जाके झटको सब झटक में आ जाएगा झटक झटक तेरे पूरे खानदान के समझ में नहीं आएगा कि तू क्या झटक रही है और झटक के दिखा तू भगवान एक केस दे दे ये बड़े बड़े केस मेरे गले में क्यों डाल रहा है ऐसे केस से तो मेरा गला ही लटक जाएगा ये किसका फोन है हेलो पूजा मैं राज बोल रहा हूँ राज क्यों तुम मुझे अलग अलग नंबर से फोन करके परेशान करते रहते हो तो क्या करूं पूजा मेरा नंबर देकर तुम मेरा फोन ही नहीं उठाती हो इसलिए मुझे मजबूरी में दूसरे नंबर से फोन करना पड़ता है आखिर क्या चाहते हो तुम पूजा मैं सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता हूं और तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं क्या गलतफहमी दूर करोगे तुम तो मुझे बीच मजार में डूबने के लिए छोड़कर चले गए थे एक बार भी नहीं सोचा ना तुमने कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ऐसी मुश्किलों में मैंने खुद को कैसे संभाला होगा कभी सोचा है तुमने पूजा मेरी मजबूरी थी तुम्हें मेरी बात तो सुनो उस रात जब तुम सो रही थी तो मुझे अचानक से मेरे बॉस का फोन आया कि उन्हें एक बहुत जरूरी काम है तो मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ा मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था और तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था और जब मैं वहां से निकला तो मेरा एक्सीडेंट हो गया 3 महीने तक मैं बेहोशी की हालत में रहा हॉस्पिटल में पड़ा रहा और मेरा फोन भी डैमेज हो गया था और जब 3 महीने बाद होश आया तो मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिली उसके बाद अचानक से मेरे दोस्त ने बताया कि तुम गोल्डन पब में गाना गाती हो मैं वहां आया मैंने तुम्हारा एड्रेस और फोन नंबर लिया और तुम्हें ढूंढने की कोशिश की प्लीज पूजा सिर्फ एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ प्लीज अब तो तुम ठीक हो ना राज हाँ ठीक तो हूँ लेकिन तुम्हारे बिना रह नहीं सकता पूजा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अच्छा बताओ कहाँ मिलना है पैरामाउंट कॉफी हाउस में शाम को 7 बजे मिलते लेकिन मैं 7 बजे नहीं 9:30 बजे ही फ्री हो पाऊंगी ठीक है पूजा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बट प्लीज डोंट टच मी मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता आई विल कम राज वाली गली में हूँ किरण मैं तुझे बाद में हेलो किरण
पता नहीं कहाँ रह गई पूजा, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। बबली, नेहा, अभी अभी पूजा का फोन आया था, कहाँ है वो? अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। पूजा बहुत घबराई हुई थी और उसने बताया कि उसकी आंखों के सामने किसी ने वकील साहब का खून कर दिया। ओह माय गॉड, कहाँ से फोन किया था उसने? पैरामाउंट हाउस के बाजू से। लेकिन किरण, हमें फोन करने के बजाय उसे पुलिस को फोन करना चाहिए था। बबली, हो सकता है कि वो पुलिस को फोन करना चाहती है, लेकिन वो बता रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या? इसलिए उसने फोन नहीं किया होगा, इतने में उसका फोन कट गया। किरण, क्या हमें पुलिस को फोन करना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता उसको फोन करना चाहिए। वो इंस्पेक्टर तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर देता है। बबली, पूजा कहीं किसी मुसीबत में ना हो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके। हेलो इंस्पेक्टर गुलशन। हेलो सर, मैं किरण बोल रही हूँ, डेजी विला से। हाँ किरण बोलो। सर, कल से पूजा घर नहीं लौटी है। और उसका कोई फोन वोन आया? सर आया था, और उसने बताया कि उसके आंखों के सामने किसी ने वकील साहब का खून कर दिया सर। वो बहुत घबराई हुई थी, कोई उसका पीछा कर रहा था सर। वो सब बता ही रही थी कि उसका फोन कट गया सर, और हमने वापस लगाने की कोशिश की पर उसका फोन ऑफ आ रहा है सर। ओके सर। जी सर। हमें नहीं पता सर। सर आप आ रहे हैं ना? हाँ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। किरण, तुम्हें याद है कि जब पूजा का फोन आया था तो टाइम क्या था? एग्जैक्टली तो नहीं पता सर, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी। पूजा इतनी बड़ी मुसीबत में थी, तुम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? सर हमने सोचा थोड़ी देर में पूजा घर आ जाएगी, उससे सारी बातें जानकर आपको खबर करेंगे। तुम लोगों के साथ रहने वाली वो तीसरी लड़की कहाँ है? बबली? बबली तो ड्यूटी पर गई है। डेजी विला में हर रोज कोई नई मुसीबत आ रही है, ये किसी बहुत बड़े राज की ओर इशारा है। पूजा का गायब हो जाना भी डेजी मैडम के कत्ल के साथ रिलेटेड है। नेहा, तुम इस घर में सबसे ज्यादा वक्त गुजारती हो, क्या तुम्हें कोई ऐसी घटना याद है जिससे डेजी मैडम के कत्ल का कोई राज पता चल सके? देखो, तुम्हारा छोटा सा क्लू हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, वरना इस कत्ल का खामियाजा तुम चारों लड़कियों को भुगतना पड़ सकता है। सर इस बात का क्लू तो मैं कुछ नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, किरण को मैंने आंटी के कत्ल से एक रात पहले उनके कमरे में से आते हुए देखा था। तुम कहना क्या चाहती हो नेहा? सर मुझे रात को प्यास लगी थी और हमारे कमरे में फ्रिज नहीं था, इसलिए मैं आंटी के कमरे में पानी लेने चली गई थी। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ नेहा, आंटी की अलमारी से उनकी प्रॉपर्टी की फाइल निकाल कर देख रही थी, जो प्रॉपर्टी आंटी किसी ट्रस्ट के नाम करना चाहती थी। ये बात मुझे बबली ने बताई थी सर। What do you mean किरण? तुम कहना क्या चाहती हो? आंटी केयरलेसली अपनी इंपॉर्टेंट चीजें कहीं पे भी रख देती थी, बल्कि मैंने उन्हें ये भी कहा कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें संभाल के रखनी चाहिए, बल्कि चोरी तो तुम करती हो। क्या मतलब है? तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई इसलिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? एक मिनट, किरण तुमने बताया कि फाइल के गायब हो जाने की बात तुम्हें बबली ने बताई, तुमने खुद तो नहीं देखा ना? सर देखा तो नहीं, लेकिन नेहा जानती थी कि वो फाइल अलमारी में ही पड़ी है। Anyway, बबली इस वक्त कहाँ मिलेगी? वो अपने पब में मिलेगी। ठीक है। चोरियां तुम करती हो और इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। चल रे, चल चल चल, अरे हट, अपना काम कर, समझी क्या? चल चल, तू जा। तू क्या है पता है मुझे? हाँ हाँ, जा।
जो होगा कर लेना। किरण ने आपको बिल्कुल सही बताया सर, नेहा बहुत ही शातिर लड़की है। जब मैंने उसे आंटी के रूम में चुपके से फाइल पढ़ते हुए देख लिया, तब उसने बड़ी आसानी से बात पलटते हुए कहा कि वो वहाँ अपने मोबाइल का चार्जर ढूंढ रही थी। पब्लिक, मुझे नेहा और किरण दोनों पे शक है। मुझे लगता है कि पूजा को उन दोनों में से किसी का कोई राज पता था और इन दोनों में से ही किसी ने उसे गायब करवा दिया। सर, नेहा के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ, किरण के बारे में मैं पक्के तौर से कह सकती हूँ, क्योंकि जब पूजा मुसीबत में थी तो पूजा ने किरण को ही फोन किया था। पब्ली, तुम पूजा के सबसे ज्यादा करीब थी, क्या तुम बता सकती हो कि गायब होने से पहले उसकी मनोदशा क्या थी? बिल्कुल नॉर्मल थी सर, हमेशा की तरह पब में गाना गा रही थी। देखे मुझे अकेली है, हाय हाय हाय, जब देखे मुझे अकेली है, ये आ जाती अलबेली है, सबने ठुकराया है मुझको, ये शराब ही मेरी सहेली है, शराब ही मेरी सहेली है, ये शराब ही मेरी सहेली है, ये शराब ही मेरी सहेली है। गुदगुदी से हंसती है, कोई भी समझ न पाए जिसे ये ऐसी अजब पहेली है, शराब ही मेरी सहेली है, ये शराब ही मेरी सहेली है, ये शराब ही मेरी सहेली है। चली गई।
लकी सिंह जी, आप बताइए, क्या आपके सामने कभी कोई ऐसा वाक्या हुआ जो पूजा के गायब होने की वजह बन सकता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो कोई वाक्या नहीं हुआ। लेकिन एक बात है, पर पब में तो ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, अब उसका इतना बड़ा अंजाम हो ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। ठीक है लकी सिंह जी, जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा आऊंगा। हेलो। हेलो, मैं डॉक्टर प्रदीप अरोड़ा सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। पूजा नाम की एक लड़की हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, इसके मोबाइल से आपका नंबर मिला इसीलिए मैंने आपको फोन किया है। हाँ डॉक्टर साहब, पूजा मेरी सहेली है, क्या उससे मेरी बात करा सकते हो? दरअसल वो बात करने के पोजीशन में नहीं है, आप हॉस्पिटल में ही आ जाइए। डॉक्टर साहब मैं अभी आती हूँ। किरण बबली जल्दी आओ। क्या हुआ? पूजा मिल गई। हाँ कहाँ है पूजा? हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर साहब का फोन आया था, हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं रुको एक मिनट, पहले हमें इंस्पेक्टर गुलशन पांडे जी को खबर करनी चाहिए। हाँ ये ठीक रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जख्मी हालत के पीछे हमें ही जिम्मेदार ठहरा जाए। एग्जैक्टली, एक ठीक है मैं उन्हें फोन लगाती हूँ। साजिश का तुम्हें कैसे पता चला? सर किन्हीं हालातों की वजह से पूजा डेजी आंटी के वहां पीजी रहने चली गई थी, मैंने इसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन हमेशा नाकामयाब रहा। फिर अचानक मुझे पता चला एक मेरे एक दोस्त से कि पूजा ने एक पब में गाना गाना शुरू कर दिया है। मैं गोल्डन पब गया, वहां जाकर इसे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और मेरा इससे मिलना बहुत जरूरी था। सर जिस रात डेजी आंटी का कत्ल हुआ उसी रात मैं पूजा से मिलने के लिए डेजी विला गया। सर अगले दिन मैं फिर से पूजा से मिलने के लिए डेजी विला गया लेकिन वहां इंस्पेक्टर गुलशन को तहकीकात करते हुए देखा तो घड़ी किसकी है? रोहन की घड़ी है ये। सर इंस्पेक्टर गुलशन के हाथों में अपनी घड़ी देखकर मैं इतना घबरा गया कि
मुझे लगा कि मैं ही मुजरिम बन जाऊंगा। सर मैं घबराकर वहां से भाग गया। लेकिन सर मैंने पूजा से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। फिर एक दिन पूजा मुझसे मिलने के लिए मान गई। तो मैं पैरामाउंट कॉफी हाउस में इसका वेट कर रहा था। पर इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। राज, ये ब्रेसलेट तो इंस्पेक्टर गुलशन पांडे पहनता है। क्या बात कर रही हो पूजा, जरूरी थोड़ी है कि एक ही ब्रेसलेट हो। नहीं राज, ऐसा ब्रेसलेट किसी और ने भी पहना हो सकता है पूजा। नहीं राज, ये इंस्पेक्टर गुलशन पांडे का ही ब्रेसलेट है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती राज, ये उसी का ब्रेसलेट है। तो कुछ निशान है। अगर ऐसा ही निशान गुलशन पांडे के शरीर पर हुआ और ये ब्रेसलेट इंस्पेक्टर गुलशन पांडे का ही हुआ तो कंफर्म है कि ये खूनी इंस्पेक्टर गुलशन पांडे ही है। तो अब इस राज का पता लगाना ही पड़ेगा। सर पूजा की बातों में सच्चाई जानने के लिए एक दिन मैं इंस्पेक्टर गुलशन के घर गया। इंस्पेक्टर गुलशन पर मेरा शक लगभग विश्वास में बदल गया था, इसलिए मैंने और पूजा ने बहुत सोच समझकर एक मास्टर प्लान बनाया। लेकिन सर इस मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए हमें किसी बड़े अफसर की जरूरत थी, इसलिए सर हमने आपसे कांटेक्ट किया। अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुलशन, एक पुलिस इंस्पेक्टर होकर आपने जो जघन्य अपराध किया है इससे पूरे पुलिस महकमे की रेपुटेशन पर काली पुत गई है। इससे पहले कि हम कोई सख्ती से पेश आए तुम सच सच बता दो, पहले डेजी का और फिर वकील आर के चड्ढा का मर्डर तुमने क्यों किया? हाँ मैंने किया। पैसे की चकाचौंध में मैं अंधा हो गया था। पैसे की चकाचौंध में मैं इतना स्वार्थी और पागल हो गया था। मैं भूल गया था कि हमारा काम अपराध करना नहीं बल्कि अपराध को रोकना है। डेजी का भाई जोसफ मेरा दोस्त था जो अपने घर के राज मुझे बता दिया करता था। आप तो जानते हैं मेरी सिस्टर डेजी ने मेरी वजह से मैरिज नहीं किया। मैंने भी जिंदगी भर अनमैरिड रहने का फैसला किया। करोड़ों की जायदाद है, हम सोच रहे हैं कि किसी ट्रस्ट को दे दें। अरे जोसेफ साहब किसी भी ट्रस्ट को क्यों, आप हमारे ट्रस्ट को दीजिए।
हमारा ट्रस्ट पिछले कई सालों से अनाथ बच्चों को पालता है, उनको पढ़ाता लिखाता है, उनकी शादी तक कराता है जी। अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, अब तो कानून के साथ साथ समाज की भी सेवा करने लगे। मैं डेजी से बात करूंगा, नेक्स्ट वीक तक सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जोसेफ ने ये फैसला किया कि वो अपनी पूरी जायदाद मेरे ट्रस्ट के नाम कर देगा। मैं बहुत खुश हो गया कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊंगा मैं, मेरा ट्रस्ट। लेकिन उसने अपना फैसला बदल दिया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद थी? तुम्हें क्या लगा ये ट्रस्ट मैंने तुम जैसी लड़कियों की सेवा के लिए खोल रखा है? नहीं, ताकि मैं तुम जैसी लड़कियों से अपनी सेवा करवा सकूं। जमाल है, बहुत दिनों के बाद मिली हो। छोड़ दो। जोसेफ साहब, आप मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम। लेकिन हुआ क्या सर? जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बाद भी पूछ रहे हो कि क्या हुआ? तुम जैसे आदमी से मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। हमने जिस आदमी पे भरोसा किया वो बहुत गलत आदमी है। हम अपनी प्रॉपर्टी उसे नहीं दे सकते। मैं बाकी की बातें घर आके करता हूं। जोसेफ की नियत मैं समझ गया था। मैं समझ गया था कि वो अपनी दौलत मेरे ट्रस्ट के नाम नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। Yeah.
कर उसकी लाश को वहीं छोड़कर मैं वहां से चला गया। फिर पुलिस की वर्दी में आया, केस की छानबीन का नाटक किया और केस को रफा दफा कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। उसके बाद मैं अपने दोस्त वकील के घर पे गया, उसे डेजी से फोन पे बात करते हुए सुना। हेलो जी चाचा साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डेजी मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम। ओ जी मैडम जी मुबारका, जन्मदिन मुबारका जी। ओ चड्डा साहब आपको भी मेरा बर्थडे याद है। ओ जी कमाल है, आप जी हजारों साल और हर साल के दिनों 50 करोड़ जी। अरे चड्डा साहब इतनी लंबी उम्र किसको चाहिए, पर हाँ इतना जरूर है जो समय अच्छा बीत जाए वही अपना है। और जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए किसे पता है। ओ जी मैडम ना जी ना, ऐसे शुभ मुहूर्त पे ऐसे शुभ दिन पे ऐसी अशुभ बात नहीं करनी चाहिए। ओ जी हमारी भी उम्र आपको लग जाए मैडम जी। चड्डा साहब मैं आपको फोन करने वाली थी, एक जरूरी काम है। जरूरी काम है? वो जो मैंने डेजी विला 10 के नाम किया था ना, वो मुझे चेंज करना है। आप कल सुबह आ जाइए ना। ओ जी कमाल करते हो, जिस ट्रस्ट को आप अपनी प्रॉपर्टी देना चाह रहे थे है? अब उसको नहीं देनी है? ये अचानक मौसम में दाखिली कैसी मैडम जी? वो मैं आपको मिलके बताऊंगी। तो कल सुबह को आपके दर्शन करने आ जाऊंगा है जी। चड्डा और डेजी की बातें सुनकर मैंने उसी वक्त अपने मन में ठान लिया कि इससे पहले कि डेजी अपनी डीट बदले मुझे आज रात ही उसका काम तमाम करना होगा। इंस्पेक्टर गुलशन तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज नीची वरना गोली मारूंगा। इतनी रात को तुम यहाँ आए क्यों? और ऐसी हरकत क्या चाहिए तुम्हें? जब चाहो इन पेपर्स पे साइन कर दो। पेपर्स? किस चीज के पेपर्स? इसमें लिखा है कि तुम अपनी सारी जायदाद मेरे ट्रस्ट के नाम कर रही हो, साइन करो। यू बास्टर्ड, कभी नहीं। मैं ही डेजी विला? डेजी विला मेरी जान है, मैं इस पे साइन नहीं करूंगी। इस बेजान जान के लिए अपनी जान मत गवाओ डेजी मैडम, चुपचाप इन पेपर्स पे साइन कर दो वरना गोली मार दूंगा। नहीं नहीं करूंगी। नहीं साइन करूंगी ना तो तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश का अंगूठा मैं इन पेपर्स पे लगवा लूंगा। जायदाद तो मेरे नाम हो ही जाएगी, खामखा अपनी जान क्यों गवा रही हो डेजी मैडम? चुपचाप इन पेपर्स पे साइन कर दो। नहीं। साइन करो। गुड। मर्डर के पीछे क्या राज था? चड्डा के कत्ल का कारण यह था कि वो मेरे राज जान गया था। वो जान गया था कि मैंने डेजी की जायदाद अपने ट्रस्ट के नाम कर ली है, इसलिए कोई सबूत बाकी ना छोड़ने के लिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। चीयर्स। मैंने कभी आपको मना किया है क्या? आप जबरदस्ती करोगे, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, फंस जाओगे आप। अच्छा गुड।
मेरी कंप्लेंट करेगी। सजा करवाएगी ना? दोस्ती करते हैं, ऐसा ही मेरा दोस्त है, मेरा मजहब है, मेरा ईमान है। कहीं लगो एक दिन अपना रंग जो दिखाएगा मेरे दोस्त। पूजा की किस्मत अच्छी थी कि मेरी गिरफ्त से बच गई। जिस दिन नेहा ने मुझे फोन करके बताया कि पूजा को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, मैंने अपना आखिरी दांव खेला। जिंदगी एक अजब पहेली है, लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। तुमने सही कहा नेहा, इतने से अरसे का साथ हमेशा याद रहेगा। जाने अनजाने में मैंने किसी को भी हर्ट किया तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ये क्या कह रहे हो पगली, हम एक फैमिली की तरह है, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खनक तो होती ही है। जब देसी आंटी ने हम सबको अपनी बेटियाँ कहा था तो हम सब एक तरह से बहने हुई ना, तो फिर हम सब के बीच में शिकायत कैसी? तुमने ठीक कहा बबली, हम सब अपनी अपनी दुनिया में लौट रहे हैं लेकिन दोस्ती दोस्ती जिंदगी भर रहेगी। हाँ नेहा, और हमारा ये रिश्ता डेजी आंटी को हमेशा जिंदा रखेगा, हमेशा इसी नाते से मिला करेंगे कि हम डेजी आंटी की बेटी हैं। यस। शराब को कुछ दिनों के लिए हम सफर बनाकर मैंने सोचा था कि सारे दुख दर्द की दवा यही है, लेकिन नहीं, दुनिया में प्यार से बढ़कर
कुछ भी नहीं। नेहा, प्यार के मायने मैं नहीं जानता था, लेकिन तुम्हारे साथ ने मुझे जीने की राह दिखाई। पूजा, यही बात मैं भी तुमसे कहना चाहता था। हम एक बार तो जुदा हो गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। और हाँ, किरण और बबली, तुम दोनों, तुम भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपना घर बसा लो। कब तक हम प्रेमियों से चलती रहोगी? मेरा और बबली का इतना प्यारा साथ है, किसी और जीवन साथी की हमें क्या जरूरत है। हाँ, ये बात हम लोग लकी अंकल से कह सकते हैं, साथी की जरूरत तो उन्हें है। नहीं मेरी बच्चियों, मैं तो बस तुम बच्चियों की सेवा करता रहूं, मुझे तो बस इसी में खुशी मिलती है। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम अपना ख्वाब पूरा करने की ताकत रखते हैं तो दूसरे के ख्वाब की उससे भी ज्यादा कदर करते हैं। हम डेजी मैडम का ख्वाब जरूर पूरा करेंगे। डेजी आंटी का सपना? मैडम इस बंगले में कुछ चैरिटेबल काम करना चाहती थी। हम अपने पैसों से इसे महिला आश्रम बनाएंगे। डेजी मैडम इस डेजी विला में हमेशा जिंदा रहेगी। वाहे गुरु। और हाँ बच्चों, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। वाओ। इसे अपना ही घर समझो, जब तक चाहो यहाँ रहो। चलो चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आओ बच्चों, आज से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। अंकल। देखे मुझे अकेली है, हाय हाय हाय। जब देखे मुझे अकेली है, ये आ जाती अलबेली है, सबने